आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बरसात से पहले ही जल भराव और गंदगी जैसी समस्याओं से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए शुक्रवार को जोन 5 और 8 क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और किला मोहम्मदी ड्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री श्री शर्मा ने बारिश के पहले शहर के सभी नाले नालियों और सीवर की मशीनरी द्वारा संपूर्ण सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए। वहीं रिहायशी इलाकों में नालियों की सफाई और गंदगी से मुक्ति के लिए दिन में 2 बार और व्यावसायिक क्षेत्रों में 3 बार सफाई कराने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान मंत्री श्री शर्मा ने शहरवासियों से कूड़े को कहीं भी फेंकने की जगह दरवाजे पर आने वाली कूड़ा गाड़ी को ही देने की अपील की। नगर विकास मंत्री ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पकड़ी पुल के समीप बने नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि नाले के किनारे झाड़ियों, पेड़ पौधों का उगना, लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाना, नाले का सही से निर्माण न होना व लोगों द्वारा नाले में कूड़ा कचरा डालना आदि कारणों से जल निकासी में व्यवधान उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मंत्री जी ने नगर निगम के अधिकारियों को बारिश से पहले इन सभी कमियों को दूर कर उचित सुधार करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने हिंदनगर स्थित LDA कॉलोनी के पास बने नाले का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नाले की सफाई के निर्देश के साथ ही क्षेत्र में किसी प्रकार का जल जमाव व गंदगी न होने पाए इसके निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने आसियाना स्थित खजाना मार्केट सेक्टर N1 पहुँचे, जहाँ उन्होंने सीवेज पंपिंग स्टेशन और किला मोहम्मदी ड्रेन नाले का निरीक्षण किया। यह वह जगह है जहाँ सभी नाले आकर मिलते हैं और जोन 5 व 8 क्षेत्र के पानी को शहर से बाहर निकालते हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी एके शर्मा जी ने निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी नालों की मरम्मत और जरूरी तकनीकी निर्माण कर सफाई व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने औरंगाबाद बाईपास से निकलने वाले किला मोहम्मदी ड्रेन नाले का भी निरीक्षण किया। इस दौरान औरंगाबाद पुलिस चौकी के समीप पहुंचकर वहां से गुजरने वाले नाले का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी आग्रह किया कि वह अपने कार्य बहुत ही ईमानदारी और तत्परता के साथ निरंतर करते रहें, जिससे किसी प्रकार के जल भराव और जल निकासी की समस्या का सामना आम जनमानस को ना करना पड़े। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त अभय पांडे, चीफ इंजीनियर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। में जिस तरह से डेवलपमेंट का जो काम किए जा रहे हैं उसके में अभी जो नया अभियान शुरू किया गया है कि खास करके ये जो सीवेज और जो नाले नालियों के जो प्रॉब्लम्स आती थी सबसे ज़्यादा उसको लेके जो एक ड्राइव चलाई जा रही है, उस पर आप लोग के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। क्या कुछ सर अभी दिशा निर्देश दिए गए, क्या अभी चीज़ें सामने आई हैं जो लोगों के द्वारा फीडबैक मिला है? बरसात के पहले नाले और नालियों की सफाई एक बहुत प्रमुख कार्य होता है। जो नेचुरल ड्रेनेज होता है, नेचुरल जो पानी के बहाव के जो रास्ते होते हैं उनमें अवरोध ना हो, उसमें रुकावटें ना हो, उसमें कोई इंक्रोचमेंट ना हो, ये देखना बहुत आवश्यक होता है जल निकासी के लिए। उसी दृष्टि से हर साल ये ड्राइव की जाती है बरसात के पहले। इस बार चूंकि पिछले दिनों निकाय के चुनाव थे, इसलिए मैंने स्वयं मेरा देखना रह गया था, हर पिछले साल में स्वयं देखा था, और किसी लिए आज चुनाव पूरा होते ही आज मेरे मन में आया कि ये कार्य कैसे चल रहा है उसको उसका निरीक्षण किया जाए। उसी भावना के अनुरूप मैं आज लखनऊ के जोन 5 और जोन 8 के क्षेत्रों में मैं गया था। वहाँ एक ड्रेनेज है जिसमें लाखों घरों की आबादी का पानी उसमें जाता है, उधर का जो स्टॉर्म वाटर है बरसात का पानी जाता है। उसको देखने के बाद कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें ध्यान में आई। जो हमने निरीक्षण किया वो तो एक उदाहरण के रूप में एक निरीक्षण है, लेकिन ऐसी समस्याएं अन्य जगहों पे भी बनती हैं। जैसे पिछली बार बरसात में फैजुल्लागंज का की समस्या ध्यान में आई थी, उसी प्रकार ये भी समस्या है। ऐसी अन्य भी समस्याएं होंगी, उन सब का निराकरण करने के लिए मैंने आज नगर निगम की टीम को कहा है। मुझे आशा है कि वो बड़ी सक्षम मशीनें भी कई जगह पंपिंग स्टेशन भी बनाने पड़ते हैं, पंप लगाने पड़ते हैं, वो भी एक उपाय है, लेकिन नालों की सफाई, झाड़ झंखाड़ की सफाई ये युद्ध स्तर पर करें, ऐसा मैंने सूचना दिया।
आपने जो निरीक्षण किया और उसमें जो दिशा निर्देश दिए कि हाई लेवल सफाई के, लेकिन सर अभी कई बार देखा जाता है कि जो इंटीरियर की जगहें हैं वहाँ पे जो छोटी नालियाँ होती हैं उसमें, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कहा जाता है, लेकिन जो जोनल ऑफिसर्स या एक्सीएंस होते हैं कई बार ये नहीं जाते हैं जिनके, तो उसको लेके भी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो भी पूरी तरह से इस चीज़ को? सभी से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि सभी अपने कार्य पे तत्परता के साथ कार्य करें। मुझे आशा और विश्वास है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य को गंभीरता से लेंगे। और आपने सही कहा कि बड़े नाले के साथ साथ छोटे नाले नालियों की सफाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गली मोहल्ले में भी जो नालियाँ होती हैं उनमें भी कई बार पानी भरा रह जाता है और उससे फिर रोग और मच्छर और इस तरह की समस्याएँ पैदा होती हैं। तो उसके लिए भी मैंने सबको कहा है, शुरुआत के पहले जो नाले बरसाती पानी को नगरों से बाहर ले जाते हैं उनकी सफाई का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब तक नली नाले साफ नहीं होंगे तो मोहल्लों में पानी भरता है, घरों में पानी भरता है, बाढ़ की परिस्थिति बनती है, जल भराव होता है और उससे फिर पानी जन्य अन्य जो समस्याएं होती हैं, जो रोग उत्पन्न होते हैं, फिर आगे जा कर के उसी में से डेंगू और ये सब तरह की समस्याएँ खड़ी होती हैं। इसलिए बरसात के दिनों में जल निकासी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। लखनऊ के कई भागों में मैंने पिछले 2 सालों में अनुभव किया है, विशेष रूप से कई भागों में जल भराव की स्थितियां पैदा होती हैं। उनमें से कई भागों के लिए पिछली साल की योजनाओं में हम लोगों ने कार्य किए और थोड़े कार्य शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी कई जगह वो स्थितियाँ बनती रहती हैं और वर्ष दर वर्ष वो बनती हैं। आज मैं जोन 5 और जोन 8 के जो नाले हैं और वो नाले जो बस्तियों से होकर के फिर किला मोहम्मदी का जो नेचुरल ड्रेनेज है और वो जा कर के फिर सही नदी में मिलता है, उस नाले को देखने के लिए मैं गया था और मुझे देख करके थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ। काफ़ी वहाँ कई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब कि जो डिफेक्ट है, मतलब बनावट में ही डिफेक्ट है, उसकी डिजाइनिंग में ही समस्याएं हैं, तो इसलिए भी पानी नहीं निकल पाता है। उसके अलावा लोगों ने कूड़ा कचरा डाल करके उन नालों को भर दिया है, वो एक दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है कि उसमें झाड़ी और झंखार इकट्ठा हो गया है, उग गए हैं, पेड़ पौधे उग गए हैं, वो तीसरी समस्या है। चौथी ये भी समस्या है कि आगे जा कर के शहीद पथ के बाद का जो भाग है जहाँ नेचुरल ड्रेनेज हो जाता है, उसके बाद की स्थिति मैंने देखी तो ऐसा भी देखने में आ रहा है कई जगह इंक्रोचमेंट भी है, उस नाले को इंक्रोच कर दिया गया। तो इस तमाम कारणों की वजह से वो पूरा नाला जिससे लाखों की आबादी प्रभावित होती है, पानी अच्छे से नहीं निकल पाता है, वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। मैंने आज उसका 4 जगहों पर जा करके स्थलीय निरीक्षण किया और कहीं कहीं मानवीय उसमें कार्य करने पड़ेंगे, वो करते हुए पानी का कैसे सक्षम निकाल हो। और मैंने ये भी कहा है नगर आयुक्त को और उनकी टीम को कि ये तो एक उदाहरण था, लेकिन शहर में ऐसे कई उदाहरण होंगे जहाँ इन्हीं कारणों से पानी जमता है, भरता है। ऐसे सभी कारणों का तात्कालिक अध्ययन करके उससे शहर को निजात दिलाई जाए। नाला चौड़ा है लेकिन रोड के नीचे जो उसकी जितनी चौड़ाई का निकासी होनी चाहिए उसकी जगह बहुत पतली निकासी बनाई गई है, तो ये सब थोड़े इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी ध्यान में आई। उसी प्रकार से शहीद पथ के नीचे जो नाले का निकास का व्यवस्था होनी चाहिए वो भी इंजीनियरिंग दृष्टि से थोड़ा परफेक्ट नहीं दिखी मुझे। इस प्रकार से इंजीनियरिंग सोल्यूशन भी उसके लाने पड़ेंगे। हमें नालों की सफाई करनी पड़ेगी, जो कार्य हमने शुरू करवा भी दिया है, मशीन और मनुष्य दोनों ही उसमें उतर करके नालों की सफाई कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं नागरिकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सफाई एक कार्य है लेकिन उन नालों में कोई कूड़ा कचरा न फेंका जाए, ये भी उतना ही आवश्यक है। आगे जाते हुए शहीद पथ के बाद का जो भाग है, जो किला मोहम्मदी नाला जिसको बोलते हैं, और वो जा करके जो सही नदी में मिलता है, वहाँ ये भी देखने को मिला कि काफ़ी जगह झाड़ झंखाड़ हो गया है, नाला पट सा गया है, उसी में इंक्रोचमेंट भी हो गए हैं, मकान बन गए हैं, दुकानें बन गई हैं, संस्थाएं बन गए हैं,
इस सब तरह की तमाम समस्याओं के चलते उस पूरे जोन 5 और जोन 8 का पानी अच्छे से निकल नहीं पाता है। ये एक चिंता का विषय है, उसी को देखने के लिए हम आज गए थे और मैंने अधिकारियों से नगर निगम की टीम से कहा है कि आप इसके निकासी की तुरंत व्यवस्था किया जाए। और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर 54 किलोमीटर वहाँ 54 किलोमीटर दूर है, खुला ड्रेन होगा, कैनाल टाइप की है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।